करते हैं शहबाज गिल के उस कमरे से जो डॉजर बेंच के अंदर है, जहां पर वहां पर उनको दिया गया है, और वहां पर जब उनको पुलिस लेकर गई, अपने साथ लेकर गई, तो समझ में आ गया था कि अगर उस कमरे से कुछ बरामद करना होता है तो फिर ये उसको साथ लेके जाते हैं, और अगर उस कमरे से कुछ बरामद नहीं होना होता तो वो जाते ही नहीं है। पहली बात तो ये, अगर जाते हैं तो अकेले जाते हैं, तोड़ो जो निकले निकले। लेकिन मीडिया को साथ लेने का मतलब और शहबाज गिल को साथ लेने का मतलब था कि वहां से 100% बरामदगी करवानी थी या करनी थी या होनी थी, ये बात होती है। उसके अंदर शहबाज गिल को लेके गए, उनको पिस्तौल दिखा, अभी ये हेडिंग देख रहे हैं आप, शहबाज गिल कमरे पर छापा तो अगली दफा बरामद करेंगे। तो सवाल आपका ये होता है कि क्या तो बरामद हो सकती है? पाकिस्तान में सियासतदानों के घर से कुछ भी बरामद हो सकता है, मतलब मुझे यकीन है कि अगर आप हुक्म करेंगे तो बरामद हो सकती है। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, रॉकेट लॉन्चर्स, एटम बम, कीमियाई मिसाइल्स, हथियार, केमिकल वेपन्स, तमाम चीजें जो वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आप कह लीजिए, आप किसी भी सियासतदान के घर से बरामद कर सकते हैं। किसी गाड़ी से आप मनुष्यात बरामद कर सकते हैं, किसी भी इंसान से आप पिस्तौल बरामद कर सकते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी, ये ऐसी कोई चीज साइंस नहीं हो बात हम कर रहे कि हम बोले कि जी पहली बार हो रहा है। मतलब अगर आप अब जो मौजूदा हुकूमत है वो भी इसकी विक्टिम हो सकती है, जो प्रीवियस लोग गुजरे हैं, चाहे वो शेख रशीद हो, कलाशनकोफ के साथ फिट हो गया, चाहे वो राणा सनाउल्लाह हो, मनशिया के अंदर फिट हो गया, ये जितने भी पीछे आप जाएंगे तो आपको चीजें नजर आ जाएंगी। और जिसका भी आप इंटरव्यू करेंगे, जितने जितने लोगों से भी हमने सवाल किया जाती तौर पर, निजी तौर पर, कि आप जरा हमें अकेले बता दें कि कलाशनकोफ आपकी थी, तो वो आगे से मुस्कुरा देते हैं कि यार आप कमाल कर रहे हो। इस तरीके से अगर मनशियात वाले से पूछो, किसी से पूछो, तो वो कहता है कि रहने दो उस बात को, बेकार बातें हैं।